वो बोले कि तुम तो यार लाटा वाली बात कर रहे हो। सारी कैनाल्स को ढक दिया केवल एक चौड़ी सड़क के लिए। कंद पुराण में देहरादून के बारे में बता रखा है। हम कभी खलंगा की बैटल की बात करते हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि भाई ऐसी एक लड़ाई हमारे शहर में भी हुई कि केदारखंड का पार्ट था देहरादून, जो कि शिव जी का निवास माना जाता है, जिसको गुरु राम राय दरबार में जाते हैं उसकी बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा नहीं है। स्टोरी बिहाइंड पल्टन बाजार एंड व्हाई इज इट कॉल्ड पल्टन स्पेसिफिकली। हेलो सर, सर हमारे पॉडकास्ट द स्मॉल टाउन शो में आपका स्वागत है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, डॉक्टर लोकेश औरी सर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ एन हेरिटेज कन्वर्सेशनिस्ट। और आप लोगों को पता होगा जो लोग देहरादून में रहते हैं, यहाँ पर एक कैफ़े है, कैफ़े लाटा, सर उसके ओनर हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है बीन देयर डन दैट, जो सर ने ही स्टार्ट करी है। सर मैंने अभी तक जितने भी लोगों से आपके बारे में पूछा है, सब बस यही कहते हैं कि लोकेश सर ज्ञान का भंडार है। सर को बहुत नॉलेज है काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, आपको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले तो सर मैं कैफ़े लाटा के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये लाटा जो वर्ड है, आपने लाटा नाम क्यों रखा है? हाँ। और पहले तो मतलब मैं लोगों को बता दूं, जो लोग ये एक पहाड़ी वर्ड है जिसका मतलब बेवकूफ़ या स्टूपिड हम कह सकते हैं। हाँ। सिंपल लैंग्वेज में बुद्धू। हाँ जी, तो सीधा आदमी। हाँ जी। तो पहले तो आपने कहा कि मैं कैफ़े लाटा का ओनर हूँ। मैं कैफ़े लाटा का ओनर नहीं हूँ, बीन देयर डन दैट कम्युनिटी कैफ़े लाटा की ओनर है। ओके। और हाँ, इसका नाम हमने लाटा इसीलिए रखा कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें एक स्लो टूरिज़म की बात करते हैं, स्लो ट्रैवल की बात करते हैं। तो एक बार एक गांव में मैं गया था, तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, तो वो मेरे से बात करने लगे, पूछने लगे कि आप क्या करते हैं। तो मैं उनको थोड़ा स्लो ट्रैवल का ज्ञान देने लग गया। मैंने उनको बताया कि हम लोग ये चाहते हैं कि लोग पैदल चलें, कम्युनिटी से मिलें और जो खाना वो खाते हैं वो खाएँ और एक स्लो स्पीड पे अपनी हॉलीडे को एंजॉय करें, ना कि उसी स्पीड पे जिस स्पीड पे वो रहते हैं अपने शहरों में। तो शहरों की ज़िंदगी बड़ी तेज़ होती है, फास्ट होती है, और अक्सर लोग अपनी हॉलीडेज़ भी उसी पेस पे एंजॉय करके चले जाते हैं कि 4 डब्बों को टिक मार्क किया कि हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो वो बोले कि तुम तो यार लाटा वाली बात कर रहे हो। आजकल जेट एज है, दुनिया तो जेट एज में जा रही है, जिसके पास 3G है उसको 5G चाहिए, और तुम ये स्लो ट्रैवल की बात कर रहे हो, स्लो टूरिज़म की बात कर रहे हो। तो मुझे वो उनका कमेंट जो है बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मुझे लगा कि वाकई हम लोग ये लाटा बुद्धू वाली बात कर रहे हैं कि सबको उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो लाटा को हमने अपना सिंबल बना लिया, अपना एम्ब्लम बना लिया। और तो हमारी जो किताब है 50 Trails थ्रू देहरादून, उसका नाम भी वॉकिंग विद लाटा है, और लाटा ही सबको वॉक्स पे लेके जाता है। और कैफ़े का नाम भी वही है क्योंकि हम वही आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि सबकी जीवन में इतनी आपाधापी है, इतनी भागदौड़ है, तो कुछ पल थोड़ा धीरे अपने आप को थामो। जी। और अपनी लाइफ को स्लो पेस पे भी इंजॉय करने की कोशिश करो, क्योंकि असली रिलैक्सेशन उसी में है। जी। और सर स्लो पेस लाइफ देने के लिए आप लोग शायद क्या आप लोग अलग अलग इवेंट्स भी कराते रहते हैं कि लोग वहाँ आए और आराम से बैठ के इवेंट्स एंजॉय करें? हाँ, वही पर्पस है कि हम म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेक्चर्स करते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स करते हैं और फेस्टिवल्स करते हैं, ताकि कम्युनिटी जुड़े, लोग आपस में मिलें। हाँ, और जो फाइनर एस्पेक्ट्स है लाइफ की उस पर भी बात करें। जी। बाकी पैसा और ये सब कमर्शियल चीज़ें तो हम लोग सभी लोग करते ही रहते हैं। हाँ जी। सर मैं बीन देयर डन दैट के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपको बीन देयर डन दैट का आइडिया कैसे आया और आपका एम क्या था बीन देयर डन दैट को लेकर? बीन देयर डन दैट का आइडिया तो तब आया जब हमारा स्टेट बन रहा था। उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे बहुत पर्सनली बहुत अपसेट किया। वैसे मैं मतलब कोई एक्टिविस्ट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन एज अ सिटीज़न मुझे काफ़ी अजीब लगा कि हमने जैसे अपनी कैनाल्स हैं, सारी कैनाल्स को ढक दिया और केवल एक चौड़ी सड़क के लिए। आप इमेजिन करो कि अगर वेनिस के लोग अपनी कैनाल्स को बंद करके सड़कें बना दें तो वेनिस कोई जाएगा क्या, कोई बचेगा वो शहर? लेकिन हम लोगों ने ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी। अभी जैसे सरदारा रोड पे हमने सारे पेड़ काट दिए कि एक चौड़ी सड़क कहाँ जा रही है, मसूरी, जो कि ऑलरेडी चौकड है, अब और कितनी गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी? तो ऐसे ऐसे काम इस शहर में होते हैं और होते रहे। और मैंने कोशिश करी, कुछ प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश करी, कुछ कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कभी कोई सक्सेस मिली नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सिटीजन्स को ही ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए मैं काफ़ी टाइम चुप बैठ गया। लेकिन ये करता रहा कि जो मेरा अपना पैशन था कि इन गलियों में चलूं और इनकी जो हिस्ट्री है लोगों से पूछूं, उसको लिखता जाऊं, वो करता रहा। तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि अब एक किताब जैसी कुछ बन गई है कि देहरादून की हिस्ट्री पे लोगों के सामने वो किताब जानी चाहिए। तो मेरे एक मित्र थे, उनके पास वो गवर्नमेंट में थे, तो बोले कि ये, और वो यूथ अफेयर्स में थे, तो बोले कि ये 50,000 रुपये बचे हैं, मार्च आने वाला है, कुछ करो। तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, 50,000 रुपये में क्या हो सकता है? तो बोले नहीं, ये तुम ले लो, नहीं तो मैं वापस कर दूंगा गवर्नमेंट को। तो मैंने कहा कि ठीक है, किताब छाप लेते छोटी सी। तो वो किताब छप गई, किताब लोगों को बहुत पसंद आई। उस किताब का नाम ही बीन देयर डून दैट था। उसमें मैंने 10 वॉकिंग ट्रेल्स लिखी थी। तो जब वो किताब छप के आ गई तो उन्होंने कहा कि इसको लॉन्च करते हैं। उन्होंने पूरे उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स को बुलाया जी, और बोला कि अब तुम इनको ये 10 ट्रेल्स कराओ। तो मेरा मतलब मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था कि सड़क पे उतरना और लोगों को दिखाना, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि अच्छा गाइड बनोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि बच्चों ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया जी। तो उनमें से ही कुछ बच्चे थे जो मेरे पास बाद में आए और बोले कि सर हम ये काम रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, कि आप हमें रेगुलरली कराओ और हम और देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग स्कूल में जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम सीधा वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि स्वेज कैनाल था, लेकिन देहरादून की कैनाल्स की कभी बात नहीं करते हम, कभी खलंगा की बैटल की बात नहीं करते। तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि भाई ऐसी एक लड़ाई हमारे शहर में भी हुई। तो मुझे लगता है लोकल से शुरू करना चाहिए, फिर ग्लोबल पे जाना चाहिए। वो कभी हमारे करिकुलम में होता नहीं है, हम सीधा ग्लोबल पे कूद जाते हैं। तो जब हमने वो कराना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है कि ये क्लासरूम ऑन द स्ट्रीट हम लोग शुरू कर सकते हैं, जिसमें सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जब सिटीजन्स जुड़ेंगे और सिटीजन्स इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो उसको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो बस उस तरह से BTDT शुरू हुआ। नहीं सर, पर आपने देहरादून की हिस्ट्री को अलाइव रखा है सर, बीन देहरादून दैट के जरिए। मैं भी सर एक वॉक में गया था, जो कनाल सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो उसी वॉक में गया था जब कनाल सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और मेरे को बहुत प्राउड भी फील हुआ कि देहरादून में इस तरह का कैनाल सिस्टम है। आप देखिए ना कि जो गंगा कैनाल है, अपर गंगा कैनाल जिसको हम बोलते हैं, वो हरिद्वार से शुरू होती है और कानपुर तक जाती है। मतलब इट्स अ 4500 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। उसकी अपनी लेंथ तो कम है, लेकिन अगर पूरे नेटवर्क की लेंथ नापें तो इतनी हो जाती है। और सुएज कैनाल है 189 किलोमीटर्स का स्ट्रेच, जो कि 1 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है हर साल। सिर्फ लोग कैनाल देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमने अपनी कैनाल को बिल्कुल निगलेक्ट किया है और बंद भी कर दिया देहरादून में। तो देहरादून की जो कैनाल थी वो उस बड़ी कैनाल का प्रोटोटाइप थी। मतलब वो एक्सपेरिमेंट था कि पहले छोटी बनाओ, ये काम कर गई तो फिर बड़ी बनाएंगे। तो वो जो पूरा हिस्ट्री है, नैरेटिव है, वो कहीं खो गया जी। हाँ जी, तो हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। और सर देहरादून की हिस्ट्री बहुत वास्ट भी है, मतलब शहर भले ही छोटा और, लेकिन जैसे कि सर मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण में देहरादून के बारे में बता रखा है कि केदारखंड का पार्ट था देहरादून, जो कि शिव जी का निवास माना जाता है जिसको, और कहते हैं कि ये द्रोण नगरी कहा जाता था इसको, क्योंकि द्रोणाचार्य जी यहाँ पर तपस्या के लिए आए थे और पांडव आए थे यहाँ पर। और ये भी कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण आए थे यहाँ पर रावण को मारने के बाद शायद से कुछ उसके लिए जी तो सर ऐसी कुछ स्टोरी, एंशियंट स्टोरीज आप बता सकते हैं कि और कोई सेजेस सेंट्स यहाँ पर आए हों? ये देखिए हिमालय ने तो हमेशा ही सेजेस को अट्रैक्ट किया और लोग यहाँ पे आए अलग अलग चीज़ें करने के लिए, लेकिन और बहुत सारी मिथ्स भी जुड़ गई। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसको द्रोणाचार्य का शहर कहते हैं तो आज भी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पूरे दुनिया में जानी जाती है। तो चार सिद्ध हैं देहरादून में, एक मानक सिद्ध है, लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है। तो ये जो चार सिद्ध हैं ये चार कोनों में हैं और इन चारों सिद्धों में अगर आप एक दिन में यात्रा करें तो ऐसा कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। तो लेकिन बहुत कम शहर होंगे जिनमें ऐसे चार कॉर्नर्स पे ऐसी चार साइट्स हैं जहाँ पे पुराने साधुओं ने, सेजिस ने तपस्या करी हो। तो देहरादून बहुत एंशिएंट एक जगह है और उसको मिथ को भी देखना चाहिए और हमें हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। क्यों देहरादून की हिस्ट्री को मुझे लगता है बहुत निगलेक्ट किया गया जी। जैसे यहाँ पे अशोकन एडिक्ट है, जो 13वां एडिक्ट है अशोका का और सबसे बड़ा एडिक्ट है। मतलब आज अशोका के एडिक्ट्स इंडिया में भी हैं, अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं। मतलब उन्होंने उनका एम्पायर जहाँ जहाँ तक था उन्होंने वो एडिक्ट्स लगाए और देहरादून भी शायद उसी राज्य में आता था, उसी राज्य में आता था। तो उन्होंने वो एडिक्ट्स लगाए जगह जगह पर, लेकिन कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं और सबसे बड़ा एडिक्ट देहरादून में कालसी में। और देहरादून के एडिक्ट से अशोका की मिस्ट्री सॉल्व हुई। मतलब लोगों को पहले पता तो था हिस्टोरियंस को कि कोई अशोका नाम का एक राजा था और ऐसा कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध में वो जीता, तो उसके बाद उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। लेकिन पीरियड नहीं बता पाते थे लोग कि किस पीरियड में वो रहा होगा। लेकिन यहाँ का जो एडिक्ट है उसमें चार और राजाओं के नाम हैं, सेंट्रल एशिया और यूरोप के राजाओं के नाम हैं। तो चारों राजाओं को अगर कोलेट करें तो हमें पता चलता है कि अच्छा उस पीरियड में अशोका रहा होगा। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हुई। और सर शायद से उस टाइम देहरादून को कालसी बोला जाता था, कालकूट बोला जाता था, तो उसी से कालसी है। तो वो जैसे चक्राता है, चक्रपुरी, कालकूट, ये सब एक पुराने सेटलमेंट्स थी जो कि अशोका के किंगडम का ही पार्ट थी। और सर अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो गुरु राम राय जी का नाम आता है, तो सर आप उनके बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे देहरादून में आए और कैसे फॉलोअर्स उन्होंने बढ़ाए? और मैंने ये भी सुना था कि औरंगजेब उनसे बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने गढ़वाल के किंग थे फतेह शाह जी, उनको बोला था कि उनके लिए कोई स्मारक बनाए। तो वो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग जो गुरु राम राय दरबार में जाते हैं उसकी बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा नहीं है, ये एक मौजलियम है, मतलब किसी की याद में बनाई गई एक स्मारक है। तो गुरु राम राय जो थे वो जो सिख गुरु हर राय थे उनके सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन उनको गुरु हर राय ने ही मुग़ल कोर्ट में भेजा, औरंगज़ेब के कोर्ट में भेजा, क्योंकि औरंगज़ेब को भी हम हिस्ट्री में एज अ विलन पेंट कर देते हैं, एज अ टायरेंट पेंट कर देते हैं कि भाई जो कोई और रिलीजन को टॉलरेट नहीं करता था। लेकिन औरंगज़ेब रिलीजन का स्टूडेंट था, वो अलग अलग धर्मों से सीखने की कोशिश भी करता था। तो वो सिख धर्म से भी सीखने की कोशिश कर रहा था। तो या फिर लेकिन सिख हमेशा उनसे लड़ ही रहे थे मुगलों से। तो उन्होंने हर राय को बुलाया अपने कोर्ट में, तो गुरु हर राय तो गए नहीं जी। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को भेज दिया और उनको ये बोला कि आप जाओ, उनसे बातचीत करो, उनके सवालों के जवाब दो, लेकिन आप गुरु की वाणी में कोई बदलाव नहीं करोगे। ओके। और कोई कितना भी आपको कहे कि आप कोई मिरेकल नहीं दिखाओ, मतलब उनके पास स्पेशल पावर थी और वो मिरेकल दिखा सकते थे, लेकिन उनको ये हिदायत दी गई थी कि आपने ये नहीं करना। अच्छा। लेकिन गुरु राम राय वहाँ जाते हैं तो एक तो औरंगज़ेब से उनकी कुछ दोस्ती भी हो जाती है और उसके बाद वो उनको मुग़लों को अपसेट नहीं करना चाहते, तो वो गुरुबानी में कुछ जहाँ मुसलमानों का जिक्र आता है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं जी। उस लाइन को सिर्फ इसलिए कि एम्परर जो है वो नाराज़ ना हो जाए या वो अपसेट ना हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने किया। ये जो गुरु राम राय के फॉलोअर्स की जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसमें ही लिखा है। अच्छा। और उन्होंने फिर जो उनके दरबारियों ने उन पर सवाल उठाए सिख धर्म पे, तो उन्होंने एक आध कोई मिरेकल भी करके दिखाया जिस वजह से उनको सिख धर्म से ही निकाल दिया गया। तो मतलब उन्होंने रिस्क लिया और गुरु हर राय ने भी कहा कि अब आप इस धर्म के नहीं हो। तो उस समय हिंदुस्तान में परंपरा थी कि लोग उदासीन हो जाते थे जी। मतलब वो कहते थे कि मेरा अब धर्म से मन उचट गया। अच्छा। और मैं इस धर्म में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उदासीन हो गया। तो आप हिंदू धर्म से भी उदासीन हो सकते थे, सिख धर्म से भी उदासीन हो सकते थे। तो वो उदासीन हो गए और औरंगज़ेब ने उनको दिल्ली में मजनू का टीला जो एरिया है वो उनको जागीर की तरह दे दिया, वहीं रहने लगे। लेकिन फाइनली सिख पॉलिटिक्स में भी बहुत उथल पुथल हुई। उसके बाद जो अगले गुरु थे वो उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही। फिर गुरु तेग बहादुर थे, उनकी शहादत हो गई दिल्ली में। तो उनको लगा कि अब ये गुरु राम राय फिर से कोशिश करेंगे गुरु बनने की। अच्छा। तो उनको उन्होंने कहा कि अब तुम हिमालय की तरफ जाओ। ओके। तो गुरु ने भी यही कहा कि जहाँ मेरा मैं चलता जाऊँगा हिमालय की तरफ, जहाँ मेरे घोड़े का खुर गिरेगा वहाँ पे मैं अपना डेरा डाल लूँगा। अच्छा। तो वो चलते गए और जब वो यहाँ पहुँचे इस एग्जैक्ट स्पॉट पे जो कि गंगा और यमुना से 35 किलोमीटर दूर है, मतलब उसकी इस तरफ जाएं तो गंगा 35 किलोमीटर है, उस तरफ जाएं तो यमुना 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उनके घोड़े का खुर गिरा। अच्छा। इसलिए उस एरिया को आदमी खुड़बुड़ा ही बोलते हैं। अच्छा। ओके। तो वो वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। तो उसी से देहरादून का पहला शब्द आता है, डेरा। देहरादून। तो यहीं पे वो रहने लग गए। उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि जब उनका डेरा थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया, फॉलोअर्स भी उनके आने लगे, तो औरंगज़ेब ने फतेह शाह जो राजा थे गढ़वाल के, उनसे कहा कि आप इनको ये ज़मीन दे दीजिए इनके डेरे के लिए। और जब उनकी डेथ हो गई, व्हेन ही पास्ट अवे, तो औरंगज़ेब ने ही उनके लिए ये जो गुरु राम राय दरबार जिसको हम आज बोलते हैं वो बनवाया। ओके। तो दून बाद में अंग्रेज़ों ने जोड़ा उसमें। अच्छा। नाइस। सर, आई थिंक पता नहीं, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट सहारनपुर के गवर्नर थे जिन्होंने नाम मेरे को याद नहीं है, बट उन्होंने शायद से देहरादून को कंट्रोल में ले लिया था इस सब के बाद। कोई गवर्नर थे शायद से, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, जब ये हुआ ना 1815 में एक लड़ाई हुई यहाँ, खलंगा का युद्ध हुआ। हाँ जी। हाँ जी। जो कि रायपुर में हुआ, जिसको बैटल ऑफ नालापानी भी बोलते हैं। हाँ। तो उस समय तक 10 साल तक यहाँ पे गोरखों का राज रहा। हाँ। मतलब जो नेपाल से गोरखा लोग आए, तो उस समय नेपाल का भी नाम नेपाल नहीं था, नेपाल का नाम गोरखा ही था। ओके। उसको गोरखा ही बोलते थे। तो गोरखा मतलब गोरखनाथ को मानने वाले। और सर, जब गोरखा यहाँ पर आए तो राज किसका चल रहा था उस टाइम पर? उस समय तो ये टिहरी जो राजा थे इन्हीं का ही चल रहा था। इनके साथ उनका युद्ध हुआ, वो भी खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ। और जो उस समय टिहरी राजा थे वो उसमें मारे गए युद्ध में, उनके बेटे को पकड़ लिया गया। तो मतलब एक तरह से टिहरी राज ख़त्म ही हो गया था और गोरखों का राज आ गया था गढ़वाल और कुमाऊं दोनों एरियाज पे। तो शुरू में तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम हिमालय की तरफ नहीं जाएंगे, हमें पहाड़ों पे लड़ना नहीं आता, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि पहाड़ों में जाके लड़ाई करें। लेकिन फिर गोरखास जो थे वो अपना टेरिटरी एक्सपैंड करते ही जा रहे थे इस एरिया में, और कुछ कमर्शियल रीजंस भी थे। ऐसा था कि जो कॉटन जो अंग्रेज़ यहाँ से उगा रहे थे और इंग्लैंड लेके जा रहे थे, उससे उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अच्छा, तो वो ये ढूंढ रहे थे कि अब अगली चीज़ क्या होगी कि जिससे हम अपना फिर से इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। तो अगली चीज़ उनको वही दिख रही थी, वुल, जो तिब्बत से आती थी और जिसको बोलते थे कश्मीर वुल, जो बहुत ही पश्मीना वुल जिसको हम बोलते हैं। तो पश्मीना की भेड़ सिर्फ तिब्बत में या कश्मीर के हायर रीचेस पे ही होती है। तो वो उस ट्रेड की तरफ देख रहे थे कि वो ट्रेड में अब हम आएंगे तो हमारा प्रॉफिट फिर से बढ़ने लगेगा। यूरोप में वुल की बहुत डिमांड थी। तो वो ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो तिब्बत से आने वाला जो ट्रेड रूट है इंडिया की तरफ, उसको बचाने के लिए अंग्रेज़ों को इस युद्ध में कूदना पड़ा। तो सबसे पहला युद्ध देहरादून में ही हुआ 1815-1816 में, और उसमें गोरखे बहुत बहादुरी से लड़े और लेकिन फिर नंबर्स की वजह से और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की वजह से अंग्रेज़ जीते। तो उस समय मेजर यंग जो था, मेजर फ्रेडरिक यंग, उनको यहाँ का सुपरिंटेंडेंट बनाया गया। तो लड़ाई ऐसी हुई कि वो एडीसी थे जो जनरल गिलेस्पी थे, जो ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे उस समय। तो जनरल गिलेस्पी युद्ध के पहले ही दिन मारे गए गोरखों के साथ। इतना मतलब लड़ाई हुई, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन पहले दिन ही वो और जो 6 बड़े ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के, वो मारे गए थे। अच्छा। उसके बाद सहारनपुर से और फोर्सेस आई, बहुत सारी कंटिंजेंट्स आई और कैनन्स आई, तोपें आई, जिसकी और 1 महीने तक उस जो खलंगा का किला था उसको उन्होंने सेंध लगाई। ब्रिटिश ने वहाँ का पानी काट दिया। तो जो भूखे प्यासे लोग थे वो फिर नीचे आए और उन्होंने लड़ाई करी टू द लास्ट मैन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो इवेंट था। मतलब अगर उनका पानी सही रहता गोरखों का, तो शायद वो आज इंडिया में ब्रिटिश रूल उतना लंबा नहीं चलता वो हिस्ट्री का कोर्स बदल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तब उसके और जो फ्रेडरिक यंग थे वो असिस्टेंट थे, एडीसी थे जनरल गिलेस्पी के। तो फिर उनको ही यहाँ का सुपरिंटेंडेंट बना दिया गया और वो कई साल तक देहरादून में रहे। मसूरी उन्होंने डिस्कवर किया एज ए हिल स्टेशन, और देहरादून में काफ़ी काम किया। उनका भी कंट्रीब्यूशन है देहरादून के लिए, तो उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, ये खालंगा वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसमें ब्रिटिशर्स जीते तो, बट उसके बाद उन्होंने गोरखा आर्मी के लिए एक मेमोरियल भी बनाया, और उनका नाम जयभद्र थे शायद, बलभद्र सॉरी, हाँ जी, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया। खालंगा मेमोरियल। किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ कि जो युद्ध हार गया हो और जो एनिमी हो, जो दुश्मन हो, उसके लिए कोई मेमोरियल बनाए। लेकिन हम देखते जो सहस्त्रधारा रोड पे खलंगा मेमोरियल है, उसमें 2 ऑबलिस्क बनाए गए। एक तो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बनाया गया, और वो जनरल गिलेस्पी जो मारे गए थे उनके लिए बनाया गया, और दूसरा बलभद्र थापा और उनके जो, और उसमें सिर्फ वही नहीं थे, मतलब उनके योद्धा भी थे, स्त्रियाँ भी थी, बच्चे भी थे। बच्चों ने भी वो लड़ाई लड़ी। हाँ, मैंने सुना। तो वो खुरपी वगैरह लेके सब चले गए थे लड़ने के लिए। सब बाहर आ गए थे और सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी हो, और तो उनके लिए वो बनाया गया। तो उससे भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट अंग्रेज़ों ने ये उनको दिया कि उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों से हम लड़ तो नहीं सकते, तो इनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो फिर वो किंग जॉर्जेस गोरखा जो रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आज भी है इंडियन आर्मी में, तो है ही है, ब्रिटिश आर्मी में भी है। तो आज भी ब्रिटिश आर्मी की फोर्सेस में, सिंगापुर मिलिट्री की फोर्सेस में और इंडियन आर्मी में, तीनों जगह गोरखास को रिक्रूट किया जाता है, नेपाल से भी और इंडिया से भी। और बहुत बड़ा रेजिमेंट माना जाता है गोरखा रेजिमेंट को। हाँ जी। और आज भी सबसे टफ बैटल्स उन्होंने लड़ी हैं, और बहुत हैं उनकी बहादुरी के किस्से, बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, उसने जब गोरखालीज ने देहरादून को कैप्चर किया था, तो नेपाल का पार्ट हो गया था वो। हाँ नेपाल का पार्ट बन गया। हाँ देहरा पूरा गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पूरा हम लोग नेपाल का ही पार्ट थे 10 साल तक रहे। सर जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड किया था, जब मैं स्पेशली देहरादून के बारे में पूछना चाहता हूँ कि तब माहौल कैसा था, देहरादून को वो किस तरह से देखते थे ब्रिटिशर्स और यहाँ पे क्या ऑपरेशंस होते थे? हाँ देहरादून जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कभी भी उनका ये सोच नहीं थी कि वो हिमालयाज़ में आए या पहाड़ों में आके एस्टैब्लिश हों, लेकिन जब वो देहरादून में आए और ये खलंगा बैटल ख़त्म हुई 1816 में, तो उनको लगा कि इतनी खूबसूरत जगह, मतलब जनरली आप देखें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, उस समय तो हिमाचल को पंजाब स्टेट्स बोलते थे, छोटी छोटी रियासतें थी, राजा थे, तो जहाँ जहाँ भी लड़ाई हुई गोरखों से वहाँ पे उन्होंने जो राजा थे उनको बहाल कर दिया, मतलब उन्होंने कहा हम इसमें नहीं पड़ेंगे, इन सब स्टेट्स को इनके राजा ही चलाएंगे, हम वापस दिल्ली से ही राज करेंगे, हमें पहाड़ों में नहीं रहना। लेकिन जब देहरादून वैली को उन्होंने देखा तो उनको ये जगह इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ब्रिटिश राज का ही पार्ट रहेगी। तो उन्होंने जो गढ़वाल टेरिटरी थी उसको बांट दिया। ओके। तो जो राजा थे उनको टिहरी गढ़वाल वापस कर दिया। अच्छा। कि आप यहाँ के राजा हो, पूरे गढ़वाल के राजा नहीं हो, टिहरी गढ़वाल के राजा हो। और देहरादून, मसूरी और ये वाली जो बेल्ट है, जॉनसार एरिया भी उसमें आता है, ये पूरा क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल का पार्ट बन गया था। तो पहले सहारनपुर से ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो ब्रिटिश जो थे वो हमेशा से इसको एज एन इंस्टीट्यूशनल एरिया देखते थे। उनका हमेशा से यही ड्रीम था कि यहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी हो सकती है, यहाँ पे स्टडीज़ एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप हुए, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, उस समय तो रेंजर्स कॉलेज भी था, और उसी उन्हीं की ब्रांचेस भी थी, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ये सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी यहाँ सेटअप हुई। तो उनका विजन यही था कि ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह एक इंस्टीट्यूशनल टाउन जैसा उभर के आए। उसी वजह से जब मसूरी में भी स्कूल्स बने इतने सारे और इंस्टीट्यूशंस बनी, लेकिन वो विज़न शायद कहीं खो गया बीच में, और हम लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करी उसमें प्रेजेंट टाइम में। तो लेकिन वो एक बहुत इंटरेस्टिंग समय रहा होगा जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, क्योंकि ब्रिटिश ने ये भी रियलाइज़ किया कि जो ये जो जगह है, ये जो वैली है, इसमें हर तरह के प्लांट्स उग जाते हैं, कि मतलब जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जैसे केले का पौधा वो लगाओ तो वो भी उग जाएगा, या बर्फ़ में होने वाले जैसे एप्पल है तो एप्पल भी फल दे देगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ का वेदर इतना अच्छा है और सॉइल इतनी अच्छी है कि यहाँ हर तरह की वेजिटेशन हो जाती है। तो फिर वो प्लांटेशन कल्चर यहाँ पे जब आया तो टी एस्टेट्स बनाई गई, फिर लीची का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो फिर लीची ऑर्चर्ड्स बनाए गए। और आप ये मतलब विश्वास नहीं होता अब अगर हम सुने, लेकिन जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी थी उसके लॉज ऐसे थे कि अगर आपको राजपुर रोड एरिया में या डालनवाला एरिया में घर बनाना है तो आपको 8 बीघे ज़मीन चाहिए होती थी। अगर एक कॉटेज आपको बनानी है तो कम से कम 8 बीघा ज़मीन आपको लेनी पड़ेगी, और उसमें 150 फलदार पौधे होने चाहिए, या लीची हो या मैंगो हो या कुछ भी हो, वो उतने ट्रीज़ होंगे तब आपको परमिशन मिलेगी कि आप एक कॉटेज बना सकते हो। और बाउंड्री वॉल बनाने की इजाज़त नहीं थी किसी को आप सिर्फ हेज लगा सकते थे, बाउंड्री नहीं लगा सकते थे। और वो कैनाल्स सारे ऑर्चर्ड्स को पानी देती थी, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह तब ये रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। एक अलग ही एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत रस्किन बॉन्ड की किताबों में हमें उसकी झलक मिलती है। तो उस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा देहरादून का, लेकिन अब तो काफ़ी बदल गया, बहुत बदल गया सर। सर मैंने आपकी बुक में पढ़ा था, वॉकिंग विद लाटा जो बुक है, उसमें पढ़ा था कि देहरादून एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल बनने की डिबेट में था, उसके बारे में बताएंगे? तो ये 1920s की बात है। 1920s में लॉर्ड डफरिन यहाँ के वॉइसरॉय थे, और लॉर्ड एंड लेडी डफरिन एक बार नेशनल रोड जिसको बोलते हैं हम जी, वहाँ पे कोई आर्मी के ऑफिसर थे कर्नल नैशविल, जिनका कॉटेज था, और आप इमेजिन करो कि वो उसके पास से एक नदी बहती हुई आती थी, एक कैनाल जिसको बाद में कैनाल बना दिया गया होगा, लेकिन एक स्ट्रीम थी जो बहती हुई आती थी। तभी आप देखिए कि जो घंटाघर पे पुलिस चौकी, उसका नाम है धारा चौकी जी। धारा चौकी उसका नाम इसीलिए कि वहाँ से एक धारा बहती हुई निकलती थी। तो उन्होंने जब पूरा एक समर वहाँ पे बिताया लॉर्ड नैशविल की कॉटेज में, और उन्होंने ये जो लेडी डफरिन की जो डायरीज़ हैं उसमें लिखा है कि ये मुझे लगता है कि अर्थ का सबसे सुंदर स्पॉट है। तो अब आज आप नेशनल रोड में वो इमेजिन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, लेकिन वैसा उन्होंने लिखा। तो उसी दौरान ये बात चल रही थी कि कलकत्ता से भारत की राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि यहाँ का वेदर सबसे अच्छा है, यहाँ का जो पूरी एनवायरनमेंट है बहुत सूटेबल है कैपिटल के लिए। दिल्ली में तो हीट एंड डस्ट में हम नहीं रह पाएंगे, तो वो कैपिटल देहरादून में होनी चाहिए। लेकिन बाद में कई आर्ग्यूमेंट्स हुए, बैक एंड फोर्थ हुआ, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, नॉट देहरादून बट न्यू दिल्ली विल बी द कैपिटल। सर अगर हम देहरादून की बात करें तो घंटाघर की बात तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो एक सिंबल है देहरादून का। तो उसके पीछे की हिस्ट्री बताएंगे? शायद से उसको बलबीर क्लॉक टावर भी कहा जाता है। बलबीर क्लॉक टावर कहते हैं। बलबीर क्लॉक टावर एक यहाँ के सेठ थे जिन्होंने उसको बनवाया। और सर ये ब्रिटिशर्स के बाद हुआ था या बाद में? मतलब इट वॉज अ मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट इंडिपेंडेंस, कि जब भारत आज़ाद हो गया तो उसको उस समय ये यूपी और उत्तराखंड एक ही था, तो उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में देहरादून एक बड़ा टाउन था, तो ये सोचा गया कि शहर के बीच में कुछ ऐसा एक मॉन्यूमेंट बनाएं जो कि आप ये बताएं कि देश आज़ाद हो गया जी। तो ये क्लॉक टावर की उन्होंने ज़मीन दी और क्लॉक टावर बनवाया। तो ये 6 फेस्ड क्लॉक टावर है। और ये एशिया में पहला है या इंडिया में? ऐसा कहते हैं लोग, पर मतलब मुझे लगता है कि शायद और होंगे क्लॉक टावर्स। गोल तो बहुत देखे हैं, गोल भी देखे हैं और स्क्वायर भी बहुत देखे हैं। 6 फेस्ड नहीं देखा वैसे मैंने, हेक्सागोनल कम ही देखे, लेकिन 6 घड़ियाँ उसमें हैं। और सभी डायरेक्शन से जो सड़कें आती हैं, जैसे पहाड़ से भी आती हैं, चक्राता साइड से भी आती है, दिल्ली साइड से भी आती है, सहारनपुर से आती है, सब वहीं पे मिलती हैं आपस में आके। तो सरोजनी नायडू ने उसकी नींव रखी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने उसको इनॉग्रेट किया था। और उस समय इस तरह का आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर था देहरादून में ना, जिसको हम बोलते हैं आर्ट डेको आर्किटेक्चर, जो जिसमें स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स, इनका बहुत प्रयोग होता है। और इसीलिए वो पूरा शायद हेक्सागोनल की ज्योमेट्री लगाई गई उसमें काफ़ी बनाने में। तो वो आज देहरादून का सिंबल है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो इसलिए उसको आपने भी यूज़ किया। सर ज़रूरी था जी। सर जैसे हमने अभी देहरादून की हिस्ट्री के बारे में बात करी, आप देहरादून का फ्यूचर क्या देखते हैं? अभी जितना डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, और आप यहाँ के यंगस्टर्स से भी मिलते रहते हैं और काफ़ी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आप देहरादून का फ्यूचर क्या देखते हैं? देहरादून का फ्यूचर, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। मतलब मैं ये देखता हूँ कि जब हम ग्रो कर रहे थे देहरादून में एज यंग पीपल, तब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कुछ इंटरनेट की वजह से हो गई हैं, कुछ वैसे देहरादून वेल कनेक्टेड हो गया। लेकिन देहरादून का फ्यूचर एक तो एजुकेशन में है जी, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम शायद निगलेक्ट कर रहे हैं। देहरादून में जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई वो यूनिवर्सिटीज़ बनने से आई जी। कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, लेकिन जी, जी। अभी मतलब हमारे यहाँ 13-14 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस छोटे से शहर में, और तो एजुकेशन में बहुत फ्यूचर है जी। और फ्यूचर हमारा तभी ठीक रहेगा कि जब हम अपनी एनवायरनमेंट को सही रख पाएँ। हाँ जी, मतलब अदरवाइज़ काफ़ी बुरे हाल जी, जी, जी। हम देख रहे हैं कि होने वाले हैं, और गवर्नमेंट भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जा रहा है। जो जैसे मैंने बताया कि एक प्लॉट में जहाँ एक कॉटेज होती थी अब वहाँ 100-100 फ्लैट बन रहे हैं जी। तो 1998 की एक स्टडी है जी, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी स्टडी किया गया देहरादून वैली का और मसूरी का। दिस इज़ प्री उत्तराखंड, स्टेट बनने से पहले की बात है। उसी में ये कहा गया था कि हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जा चुके हैं। जो हमारे पानी के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे वेस्ट डिस्पोजल की जो कैपेसिटी है, उससे हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि इन पिछले 22 सालों में हमारा शहर जो है वो 200 टाइम्स ग्रो कर गया जी। मतलब बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। हमने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप किया, आज भी हम विक्रम पे डिपेंडेंट हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए इतने व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत है। कई बार तो हम दिल्ली के पोल्यूशन से भी वर्स्ट हो जाते हैं। तो कोई भी शहर, मतलब कोई भी सेटलमेंट का फ्यूचर उसकी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी अगर साफ होगी। उत्तराखंड खासकर एक टूरिज्म इकोनॉमी है, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे 3 गुना लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए जी। लेकिन अगर उनको वही पोल्यूशन मिलना है, वही डेड रिवर्स मिलनी है, वही प्लास्टिक वेस्ट देखना है, तो वो तो किसी और शहर में जाके देख सकते हैं, या जहाँ रहते हैं वहाँ देख सकते हैं। वो यहाँ क्यों आएंगे इतना एफर्ट करके? ये लॉजिक गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हाँ जी सर, आपको लगता है जितना पैसे हम कंस्ट्रक्शंस में लगा रहे हैं उससे वही चीज़ें अगर हम देहरादून की हेरिटेज साइट्स में लगाएं तो वो टूरिस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहा? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो तो सर दिल्ली मुंबई हर जगह है ही सर, ये कैफ़ेज़ और लॉन्ज वगैरह। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस हेरिटेज को रिकग्नाइज करें और उसको ठीक से प्रेजेंट करें अपने विजिटर्स के सामने जी। अब जैसे मसूरी रोड है, मसूरी रोड अपने आप में एक थ्रिल है, वहाँ पे जाना और मसूरी तक पहुँचना। लेकिन अगर आपको दोनों तरफ दुकानें ही देखनी हैं तो फिर तो आप पलटन बाज़ार में घूम सकते हो या चांदनी चौक में घूम सकते हो, इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि जो विज़िटर बाहर से आता है उसको देहरादून का एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। हमारी हेरिटेज साइट्स बहुत निगलेक्टेड हैं, बहुत बुरा हाल है। कुछ प्राइवेट हैंड्स में है, वो भी एक रीज़न है कि वो लोग उसको मेंटेन नहीं करना चाहते। लेकिन एनवायरनमेंट पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपनी इकोलॉजी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं जो कि जैसे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क हर साल 350 किलोमीटर सड़क को तोड़ करके साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बना रहा है, जबकि वो इतना बड़ा शहर है, पूरी दुनिया वहाँ आती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमें अपनी एयर को अगर क्लीन रखना है और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे कम्यूट के लिए साइकिलिंग इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए तरक्की कर रहे हैं। हम लोग अभी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग लगता है मुझे सब कुछ नष्ट करेंगे, उसके बाद हमें अकल आएगी, फिर हम कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी हम रीइन्वेंटिंग द व्हील वाली सिचुएशन में हैं। अच्छा, जितना ख़राब कर सकते हैं करें, फिर उसके बाद लोगों से सीखेंगे। सर, आपको लगता है कि इसका एक रीज़न हो सकता है कि हमने लैंड लॉ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और बाहर से लोग आके कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहे हैं, ज़्यादातर सुनने में आता है कि बाहर के लोग ही लैंड खरीद रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या लैंड लॉ एक रीज़न हो सकता है इसका? लैंड लॉ एक तरीका हो सकता है, एक जस्ट लैंड लॉ तो होना ही चाहिए। मतलब ये एक हिल स्टेट है, आप देखिए कि मैं तो पहाड़ों में रिमोट एरियाज़ में भी जाता हूँ, ट्रैवल के लिए सब खुल गए हैं रिमोट एरियाज़, एवरी, अब कोई ऐसा कोई कह नहीं सकता कि दिस विलेज इज़ नॉट ऑन द मैप, एवरीथिंग इज़ ऑन द मैप, आप गूगल से कहीं भी पहुँच सकते हो। तो वहाँ पे भी लोग लैंड को लीज कर करके विलेज कम्युनिटीज से ले रहे हैं और रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, और वही कम्युनिटी से जिससे उन्होंने ज़मीन ली उनको ही बर्तन धोने के लिए, सफाई करने के लिए रख रहे हैं। तो ये कहाँ का डेवलपमेंट है, ये कौन सा इक्विटेबल डेवलपमेंट है? एक स्ट्रिक्ट लैंड लॉ तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एक पॉलिसी भी होनी चाहिए कि एक शहर कितना और कैसे ग्रो करेगा, कौन से एरियाज़ में कमर्शियल ग्रोथ हो सकती है, कौन से एरियाज़ में रेजिडेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ तो होना है जी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और बाहर के लोग आएंगे तो इकोनॉमी भी हमारी वाइब्रेंट होगी जी। तो उनको हमें रोकना नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये बैलेंस जो बिठाना है, आप देखो ना हमारी जो एजेंसीज़ हैं, MDDA है या हमारा नगर निगम है, एक भी अर्बन प्लानर नहीं है कहीं पर लूप में। तो अर्बन प्लानर ही गायब है, तो सड़क कैसी बनेगी, क्या डिज़ाइन उसका होगा, या कहाँ कमर्शियल होगा, कहाँ कितना ट्रैफिक जा रहा है, वो कैसे मैनेज होगा, नोबडी नोस। सब वो रूल ऑफ थंब से चल रहा है जी, और ये कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। Every city is doing all these things. Sir, I don't know why we are not. हिमाचल में लैंड लॉ है, और वो हिमाचल में लैंड लॉ है, लेकिन हिमाचल आई एम सॉरी टू से कि हमारा मतलब वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। उत्तराखंड को अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। हिमाचल में भी आप देखिए ना कि आप जब शिमला जाते हैं तो कहने को हिल स्टेशन है, लेकिन आदमी ये सवाल पूछता है कि हिल है कहाँ, स्टेशन ही स्टेशन बच गया है, पहाड़ कहाँ गया, क्योंकि वो इट लुक्स लाइक अ स्लम ऑन द हिल। तो वो रोल मॉडल हमें बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करना। और कई लोग जैसे उत्तराखंड के लिए भी बोलते हैं, अरे स्विट्जरलैंड है और ये है, हमें कोई कुछ विदेशी या बाहरी रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना एक अलग मॉडल डेवलप करना चाहिए। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको बिठाइए, और अभी भी बहुत कुछ ख़राब नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। सर बिल्कुल जी, ओके सर, हमने एक नया सेक्शन डाला है इस शो के लिए। हमारे कुछ स्मॉल टाउन शो के फॉलोअर्स हैं जिनसे हमने पूछा था कि अगर आपको देहरादून की हिस्ट्री के लिए या देहरादून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो कुछ क्वेश्चंस भेजे उन लोगों ने। सर प्रज्वल पूछते हैं कि वॉज देहरादून मसूरी रेलवे ऑन कार्ड्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एंड इफ इट वॉज वाई इट डिसकंटिन्यूड? हाँ बिल्कुल, एक रेलवे बनाने की बात हुई थी। इनफैक्ट 2 बार ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ हुआ, और रेलवे लाइन भी बिछाई गई। अभी भी जैसे राजपुर रोड की जो रोड है उसके नीचे रेलवे ट्रैक्स हैं कहीं पर छुपे हुए, और 2 ट्रैम स्टेशन भी बनाए गए। तो आइडिया ये था कि जो देहरादून रेलवे स्टेशन है उसको ट्रैम से कनेक्ट करेंगे ओल्ड राजपुर तक, और ओल्ड राजपुर से फिर वो रेलवे ट्रैक मसूरी तक जाएगा। ओके। तो उस पर लेकिन इन्वेस्टर्स उसमें थे जो राजा महाराजा थे जी, और बड़े बैंकर्स थे, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसमें 2 बार गबन हुआ जी, और 2 बार वो प्रोजेक्ट फेल हुआ। तो बाकी हिल स्टेशंस में मतलब इट वाज नॉट अ ब्रिटिश बैक्ड प्रोजेक्ट, इट वाज बैक्ड बाय प्राइवेट पार्टीज, और जिन्होंने लॉसेस उनके काफ़ी हुए, और फिर फाइनली वो प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट होता तो शायद रेलवे लाइन बनी गई होती। सर अभी इसके बारे में कुछ बात होती है या बंद ही हो चुका है ये आइडिया? नहीं, अब तो बिल्कुल बंद हो चुका है। इनफैक्ट जो कुछ उसकी पुरानी यादें थी वो भी हम मिटा चुके हैं। एक ट्राम स्टेशन था राजपुर रोड पे दिलाराम चौक में, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अभी डिस्ट्रॉय किया है, पूरा डिमोलिश कर दिया है। लेकिन जो झड़ी पानी वॉकिंग ट्रेल है, वहाँ पे एक टनल है। ऐसे ही राजपुर में आप जाएं, ओल्ड राजपुर में जाएं तो एक ब्रिज आता है ऊपर, वो भी रेलवे ब्रिज ही है पुराना बना हुआ। तो कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना था रेलवे के लिए, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग्धा जालदियाल का। वो पूछती हैं कि हाउ वाज देहरादून डिसाइडेड एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। देहरादून वाज, जब नया स्टेट आया तो ये ईयर 2000 की बात है, तो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ और जो स्टेटहुड का मूवमेंट था वो सभी लोग, एक्टिविस्ट जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें, वो ये चाहते थे कि एक ऐसी राजधानी हो जो पहाड़ों में, नंबर 1, नंबर 2 जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को सर्व कर सके। तो गैरसैन नाम की जो जगह थी वो गढ़वाल कुमाऊं के बॉर्डर पे थी। और मुझे याद है कि जिस दिन उत्तराखंड बना था, स्टेटहुड हुआ था 9 नवंबर को, हम लोग सब गैरसैन में ही थे। तो मैं उस समय एक यंग स्टूडेंट था, लेकिन जो पूरे स्टेटहुड मूवमेंट के जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे सब लोग गैरसैन में थे। और उस दिन भी ये डिमांड उठ रही थी कि यही राजधानी बननी चाहिए, आपको जो भी करना है छोटे स्केल पे शुरू करो और वहीं पे करो। क्योंकि ये एक पहाड़ का स्टेट है, तो जो भी आगे से काम होना है वो पहाड़ को फोकस में रख के होना है। लेकिन एक अजीब सा कंपटीशन शुरू हो गया यहाँ पे ना, कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, मतलब नैनीताल के कुछ लोग थे वो ये कहने लगे कि नैनीताल में होनी चाहिए, और देहरादून के कुछ लोग थे वो कहने लगे कि देहरादून में होना चाहिए। और फिर उसमें जो लोकल ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी इन्वॉल्व हो गया। और जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो सब यही चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ अच्छे स्कूल्स हों, जहाँ आराम हो, दिल्ली आया जाया जा सके आराम से। तो ये नैनीताल और देहरादून के कंपटीशन के बीच में ये हुआ कि नैनीताल वाले थोड़े ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने करीब 200 कुछ करोड़ का बजट दिया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा, सेंटर को देना पड़ेगा। देहरादून के लोगों ने 50 करोड़ का बजट दिया। अब बताओ आप 50 करोड़ में जो जैसी राजधानी बननी थी वो बन गई, वो हमें मिल गई। तो मैं यही कहता हूँ कि वो 1920s में जो कैपिटल पनिशमेंट देहरादून को नहीं मिला, वो 2000 में मिल गया। सही बात है। तो हम लोगों ने वो काफ़ी लड़ाई करी उसके लिए, काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट किए, काफ़ी सड़कों पे उतरे और ज़बरदस्ती देहरादून को राजधानी घोषित किया, जबकि आज तक भी हम इंटरिम कैपिटल ही है। तो इस जो सेंटर था वो तो कम से कम पैसा खर्च करना चाहता था। उनको जब इतना कम बजट दिखाई दिया, उन्होंने कहा यहीं बना लो। और आप देखिए कि मतलब कोई भी स्टेट अपनी कैपिटल बनाता है तो वो अपनी विधानसभा क्या नदी की ज़मीन पे बनाता है। हमने रिस्पना के ऊपर अपना विधानसभा बनाई हुई है। ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह की कब्जे की जमीनों में बने हुए हैं। तो ये भी दुर्भाग्य है स्टेट का, लेकिन इस तरह से ही डिसाइड हुआ, मतलब बिल्कुल आर्बिट्रेरी था। लेकिन अगर जो लोगों की जो सेंटिमेंट था, अगर उसकी रिस्पेक्ट की जाती तो गैरसैन में ही बनना चाहिए था। अच्छा, लेकिन अब आज अगर गैरसैन में बन जाए तो, लेकिन देहरादून का तो सत्यानाश हो चुका है। हाँ जी, वो तो डैमेज हैज बीन डन। वो हम अंडू शायद ही कर पाए वो डैमेज। जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश दास पूछते हैं कि मिल्क रियली यूज्ड टू फ्लो इन तपकेश्वर। ऐसा भी कुछ था, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि वो लाइम वाटर रहा होगा, क्योंकि देहरादून की जो पूरी टोपोग्राफी है बहुत इसमें लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है। और ये जो केव्स हैं, जितनी भी देहरादून के आसपास काफ़ी केव्स हैं ऐसी, सहस्त्रधारा में भी लाइमस्टोन केव्स हैं जिनको हम कैवर्न्स बोलते हैं जी। और तो टपकेश्वर वाली भी गुफा एक क्लासिक कैवर्न ही है जी। तो कैवर्न्स में हमेशा पानी टपकता ही रहता है ऊपर से, तो हो सकता है उसमें लाइमस्टोन मिला हो तो सफ़ेद पानी आता रहा हो, जिसको लोग दूध मान लेते हैं। लेकिन दूध टपकता है ये थोड़ा सा मुश्किल है जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंतिका राणा का। वो पूछती है स्टोरी बिहाइंड पल्टन बाज़ार एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड पल्टन स्पेसिफिकली। तो यही जो 1815-1816 में जो गोरखा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ नालापानी, उसके लिए जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स आए उन्होंने अपना जो कैंप है जी, वो परेड ग्राउंड में लगाया। तो परेड ग्राउंड में उनका कैंप लगा, इसीलिए उसके आसपास की जो जगह थी वो मतलब और भी नाम अगर आप देखें जी, तो जैसे कि एक फालतू लाइन है जी। तो फालतू उस समय पोर्टर्स होते थे जो आर्मी तो आती थी लेकिन उनका सामान उठाने वाले जी जी, या जो ऐसे मीनियल काम करते थे कि यूनिफॉर्म तैयार करने वाले या तलवारों को धार लगाने वाले, गन्स साफ करने वाले, उन सब लोगों को फालतू कहा जाता था। तो वो एरिया फालतू लाइन के नाम से ही जाना जाता है। तो वो एक सारे ये ब्रिटिश आर्मी के जो नाम हुआ करते थे वही सब जगहों के नाम पड़ गए। इसीलिए जो पल्टन बाज़ार था वहाँ पे भी पल्टन से रिलेटेड जो अंग्रेजी पल्टन से रिलेटेड सामान मिलता था तो उसका नाम पल्टन बाज़ार पड़ गया। तो वो हमारी पुरानी कैंटोनमेंट थी। लेकिन ओवर द इयर्स ऐसा लगा कि नहीं यार ये जगह छोटी पड़ जाएगी, तो कोई नया कैंटोनमेंट बनाया जाए। इसलिए जो हमारी आज की कैंटोनमेंट है उसको हम आज भी न्यू कैंटोनमेंट बोलते हैं, न्यू कैंट रोड बोलते हैं जी। तो न्यू कैंट रोड इसीलिए कि पुराना कैंटोनमेंट ये था पल्टन बाज़ार के आसपास। अभिषेक गैरोला पूछते कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देहरादून एंड इट केम अंडर विच किंगडम। है तो गढ़वाल किंगडम का ही पार्ट। तो लेकिन लास्ट रूलर्स तो गोरखास को ही माना जाएगा कि जो बलभद्र थापा थे जो जिनको, और तो ये पूरा जो फैमिली थी ये नेपाल के राजाओं से जुड़ी हुई परिवार था। बल्कि लेकिन बलभद्र थापा भी कमांडर ही थे, वो कोई राजा नहीं थे। तो उसके बाद से तो यहाँ पे कोई किंगडम नहीं रहा, ब्रिटिश रूल ही रहा। तो हम लोग ब्रिटिश गढ़वाल का पार्ट बने रहे। ये एरिया पौड़ी और चक्राता ये पूरा एरिया ब्रिटिश के अंडर ही रहा। ये सर लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक गैरोला का ही है कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा। हाउ डिड देहरादून बिकेम अ बेकरी टाउन। यहाँ पे काफ़ी सारी बेकरीज है। हाँ, बेकरी का भी एक ब्रिटिश कनेक्ट है जी, कि जब ये हिल स्टेशन की तरह डेवलप हुआ जी, तो जहाँ भी कैंटोनमेंट बनती थी जी, आप ये देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी दूसरे हिल स्टेशंस थे जी, जैसे शिमला ले लें हम, शिमला जो था वो कैपिटल था इंडिया का, समर कैपिटल था। नैनीताल यूनाइटेड प्रोविंसेस का समर कैपिटल था। तो इन हिल स्टेशंस पे ऑफिशियल्स बहुत रहा करते थे। तो इसलिए जो जूनियर्स भी थे ना, वो जब इन हिल स्टेशंस पे जाते थे उनको लगता था कि यार हमारा बॉस हमें देख रहा है हमेशा। और हिल स्टेशन होते भी ऐसे थे कि आप माल रोड पे अगर 2 चक्कर काटोगे तो वही आदमी आपको दोबारा मिल ही जाएगा जी। लेकिन मसूरी वॉज टोटली फन प्लेस। मतलब मसूरी 100% मौज मस्ती की जगह थी। यहाँ पे वॉज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट वाली बात थी कि कोई कैपिटल नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो लोग मसूरी आते थे सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते थे। इसलिए फाइनली जब कैंटोनमेंट बनाने की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मसूरी में मत बनाओ, देहरादून में बनाओ। अब जहाँ कैंटोनमेंट बनता था, जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ जाती थी, तो वहाँ बेकिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो कैंटोनमेंट स्टाइल बेकिंग इसको बोलते हैं। जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट हैं वहाँ पे वो पुरानी ट्रेडिशन बेकरी की चली आ रही है। लेकिन देहरादून में जो एनवायरनमेंट था जी, जो मैं बार बार एनवायरनमेंट की बात करता हूँ ना, तो जैसे सनराइज बेकर्स हैं तो इसको चलाते जॉली अंकल चलाते थे। तो वो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ आ गए थे। और नारायण बेकरी के नाम से उन्होंने बेकरी शुरू करी थी। तो वो मुझे बताते थे कि आप दुनिया में कहीं पे भी अगर आप वो बनाते हो, डो बनाते हो, जैसे आपको बिस्किट बनाने हैं, रस्क बनाने हैं, तो आप वो जो आटा घोलते हो, मैदा घोलते हो उसमें और इंग्रेडिएंट्स डालते हो, उसमें आपको यीस्ट डालना पड़ता है बहुत सारा, और कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता है उसको, तभी उसमें खमीर उठता है। ओके। तो वो बोलते थे कि लेकिन मैं जब दुकान बंद करता हूँ 10 बजे तो मैं वो बना के जाता हूँ डो, और सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के आता हूँ तो उसमें खमीर अपने आप उठा हुआ होता है। अरे वाह। मुझे कभी किसी उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बोले कि ये सिर्फ देहरादून में पॉसिबल है। अच्छा। हमने उनकी बहू रावलपिंडी से आए थे, पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे, बोले रावलपिंडी में हमने बेकरी सीखी, लेकिन वहाँ पे भी इसको गर्म करके रखना पड़ता था, और भी कई जितने भी शहर हैं, लेकिन देहरादून ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे खमीर अपने आप उठ जाता है। तो वो भी एक फैक्टर शायद रहा हो कि यहाँ की बेकरी इतनी अच्छी है और पानी बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से ये एक बेकरी टाउन भी बन गया। और तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। सर, अभी जैसे हमने देहरादून के डेवलपमेंट की बात करी थी, लेकिन जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ओल्डेस्ट मेमोरी कोई देहरादून की, कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप मिस करते हो, जैसे मेरे लिए जब घंटाघर के पास जाम लगा करता था कुमार स्वीट शॉप की वजह से, वो मेरी ओल्डेस्ट मेमोरी है देहरादून की। एक ही जगह थी जहाँ पे जाम लगता था, और हम चक्राता रोड को बोलते थे सुसाइड एली। अभी सुसाइड एली में जाने वाले, इतनी पतली सड़क थी जी, और मतलब उस पर ड्राइव करना एक अपना थ्रिल था, बाइक लेके जाना उस पर। हाँ जी। तो ऐसे सर, आपकी ओल्डेस्ट मेमोरी क्या होगी देहरादून की? मेरी तो कई मेमोरीज हैं, लेकिन एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, जिसके बारे में मुझे कभी कभी सपना भी आता है, वो राजपुर कनाल से कनेक्टेड है। तो हमारा जो घर है वो दिलाराम बाज़ार के पास है। अच्छा। और वहाँ पे कनाल बहा करती थी जो कि जाखन से आती थी, और वो पूरा दिलाराम बाज़ार तक वो कनाल मतलब दिखती थी, खुली हुई थी। और दिलाराम बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो कैनाल काफ़ी चौड़ी हो जाती थी, मतलब एक तरह से तालाब जैसा बना हुआ था, जहाँ पे अभी मयूर ऑटो है ना, वहाँ पे वो कैनाल में तालाब जैसा था। तो मेरी जो सबसे विविड मेमोरी है देहरादून की वो वही है कि जब गर्मियों में परेड ग्राउंड में सर्कस लगती थी, तो सर्कस में बहुत सारे जानवर आते थे। उस ज़माने में जीब्रा भी आता था, और हाथी भी होते थे, कोई लायन भी होता था। उस समय अलाउड थे ये जानवरों को सर्कस में रखना। तो वो सारे जानवरों को वो लोग पिंजरों में लेके आते थे नहलाने के लिए। ओके। और जब जैसे ही वो वहाँ पे आती थी सर्कस की गाड़ियाँ, तो बहुत बहुत बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, बहुत भीड़ हो जाती थी, और वो एक एक करके हाथियों को का नहाना, और वो हम देखते थे, बहुत ही फैसिनेटिंग सीन लगता था वो। तो वो मेरी एक बहुत विविड मेमोरी है देहरादून की, कि एक ऐसी जगह वो थी, और वो अब क्या हो गई। तो वो मेमोरीज तो बहुत हैं। देहरादून एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। आप कहीं भी निकल जाइए तो आप फॉरेस्ट में अपने आप को पाते थे, और पैदल चलने वालों के लिए, बर्ड्स देखने वालों के लिए बहुत ही एक हेवन ही था एक तरह से। हाँ जी। और अब उसको और अभी को कंपेयर करें तो पहचान में ही नहीं आएगा देहरादून वैसा कुछ। हाँ, मतलब नेचर ने हमको इतना कुछ दिया था, इतना हमें हमारे पास था। तो आसपास तो दिखता है जी, अभी भी दिखता है, लेकिन वो शहर के बीच में था एक ज़माने में। जी। तो ग्रोथ हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ग्रोथ है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है और एक कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है। हमने कैंसरस ग्रोथ का ऑप्शन चूज कर लिया, जबकि हम एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाते थे। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, और ये मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ अपने, क्योंकि हम मेरे को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी लाइफ में करते हैं तो उसके पीछे एक होप रहती है कुछ भी करने की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर यू होपिंग फॉर, लाइक इन जनरल लाइफ में या जो भी आप काम कर रहे हो या पर्सनल लाइफ में कुछ भी। मेरी होप तो यही है कि हम लोग अपनी हैप्पीनेस को ढूंढें और दूसरों की हैप्पीनेस को भी ढूंढें और सबको हैप्पीनेस मिले तो और वो हैप्पीनेस शायद पॉसिबल नहीं है अगर हम नेचर के बीच में ना रहें, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम ये इकोलॉजिकल बैलेंस को ना बनाएं। तो कितना भी पैसा हमारे पास आ जाए उसके बाद हम क्या पैसे को खाएंगे, क्या पैसे को ब्रीथ करेंगे, या पैसे को पिएंगे पानी की तरह, नहीं पी सकते। तो मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस है लाइफ का वो अगर मेंटेन्ड रहे और सबकी लाइफ में रहे, मतलब आई ऑलवेज थिंक ऑफ हैप्पीनेस नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर एवरी वन अराउंड मी, तो वो हैप्पीनेस सबको मिले। दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर। या ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। एंड मैंने जैसा कि आपको कहा था पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि मेरे लिए मास्टर क्लास होने वाली है और मास्टर क्लास ही थी, और आई थिंक सारे व्यूवर्स के लिए भी एक मास्टर क्लास होगी देहरादून की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो। आप जो भी सर काम करते हैं और करते आ रहे हैं आप सर वैसे ही करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और ऐसे ही सबको मोटिवेट करते रहिए सर। आपकी स्टोरीज़ और जो भी आप काम करते हैं हम बहुत इंस्पायर होते हैं उससे। सो थैंक यू सो मच सर, आई होप आपको मज़ा आया हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। और ये सारे किस्से कहानियाँ दोबारा से रिवाइज करने में बहुत मज़ा आया और आई होप आपके व्यूअर्स को भी मज़ा आया। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।